हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तो आज मैं आपके लिए जो थाल बोज ले आई हूँ ना एकदम आसान सा तो है ही एक मुर मुरनी वाला और एक ही आ, आप मुझे नहीं लगता कि है ना इसे सिर्फ एक से डेढ़ घंटे में तो बहुत टाइम है बीस तीस मिनट में आप है ना अगर बनाना शुरू करेंगे तो आराम से बना लेंगे तो अगर आप थोड़ा धीरे भी बनाते हैं तो भी आपका एक घंटे में बन जाएगा मेरा भी ये काफ़ी जल्दी बन गया था तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो पहले ये नॉट लगा ली और उसके बाद में हमने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ हमने चैन ले ली और लास्ट वाली चैन में डाल के हमने इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लिया ठीक है और ज्वाइंट करने के बाद एक दो तो, तीन चार चार यानी कि तीन का हमारा एक डबल क्रोशिया और एक चैन ली हमने और यहाँ पे डाल के हम एक डबल क्रोशिया फिर एक चैन लेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया एक चैन एक डबल क्रोशिया फिर से एक चैन और एक डबल क्रोशिया तो ऐसे ही हम इसमें ना टोटल जो बनाएंगे देखिए एक तो ये चैन हो गई एक दो तीन चार और चार ये तो टोटल पांच हो गए अब हम डबल क्रोशिया और ये सात और ये आठ तो हमने इसमें सॉरी एक सेकेंड ये रह गया एक मिनट इसमें हमें ना एक चैन लेके तब डबल क्रोशिया बनाना है ठीक है एक चैन ली फिर एक डबल क्रोशिया फिर एक चेन ली फिर एक डबल क्रोशिया ठीक है तो इसमें हमें जो टोटल बनानी है वो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये आठ हो गए उसके बाद में हमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ये पंद्रह तो हमें ना पंद्रह चेन लेनी है ठीक है और उसके बाद में एक दो तीन चार ये चार चेन छोड़ के और इस वाली में देखिए चौथी चेन में ना डाल के हमें इसे यहाँ पे ज्वाइन कर देना है तो ये एक देखिए राउंड बन गया अब इसमें हम एक दो तीन तीन चैन लेंगे और इस राउंड में डालते हुए हम एक डबल क्रोशिया फिर ये देखिए दो दो डबल क्रोशिया के बाद एक दो तीन तीन चैन लेंगे लास्ट वाली चैन में डालेंगे और इसे ऐसे ही निकाल देंगे ठीक है और इसमें अब हमें ना टोटल बारह डबल क्रोशिया बना लेंगे ठीक है तो इसी राउंड में बारह डबल क्रोशिया बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है ठीक है तो ये पूरे बारह कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए ये बारह हमारे ये डबल क्रोशिया और तीन हमने जो शुरू में बनाए थे वो हैं तो ये हमारे टोटल पंद्रह हो गए ठीक है अब हम इसे यहीं ना इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे ठीक है ये ज्वाइंट हो गया उसके बाद में हम ये देखिए नीचे वाली जो चैन है जो हमने ये वाली चैन ली थी ना इनमें डाल के हम इसे एक मिनट ऐसे ही इसमें डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ठीक है ना और इसी तरह से हर एक चैन में डालते हुए ना हम एक एक डबल क्रो सॉरी एक मिनट शायद आपको दिखाई नहीं दिया ये ये देखिए हमने ना पहले वाली चैन में डाल के ये डबल क्रोशिया बना लिया इसे ज्वाइन करने के बाद फिर दूसरी चैन में डालेंगे और उसमें भी डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे ही इस पूरी चैन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है तो ये पूरी चैन में बना के फिर दिखाती हूँ तो ये देखिए हमने ना इसमें ना पूरे में है ये डबल क्रोशिया बना लिया अब हमें क्या करना है देखिए ये जो फर्स्ट वाली चैन है ये हमें छोड़नी है और इससे जो आगे वाली चैन है उसमें डाल के एक बार फंदा हम क्रोशे के ऊपर लेंगे ये दो बार ये तीन और ये चार ठीक है चार बार फंदे हमने क्रोशे के ऊपर लिए और इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल लिया फिर हम इसे भी निकाल लेंगे फिर एक चैन लेंगे अगले वाले में डालेंगे और फिर से ये फंदा इसी तरह से चार बार क्रोशिया के ऊपर लेंगे ठीक है फिर इन सबको एक साथ निकाल लेंगे फिर इन्हें भी निकाल लेंगे एक साथ और एक चैन ले लेंगे फिर अगली चैन में डालेंगे और इसी तरह से पफ बनाएंगे ठीक है है ना आसान ये देखिए ये निकाल लिया और फिर इसे निकाल के एक चैन ले इन सब में हमें एक एक चैन लेनी है ये देख इस तरह से और ये फिर एक चैन लेंगे ऐसे ही जो बचे हुए दो हैं इनमें भी बना लेंगे तो ये देखिए ये हमने सभी में पफ बना लिया अब हम इसे पलटेंगे एक दो तीन तीन चैन लेंगे और ये देखिए जहाँ हमने एक चैन ली थी ना वहाँ पे डाल के हम फिर से ये वाला पफ बना लेंगे वो ही चार बार फंदे हम क्रोशे के ऊपर लेंगे ये देखिए इस तरह से इसे निकाल लेंगे फिर एक चैन लेंगे अगले वाले पफ में डालेंगे इन दोनों पफ के बीच में चार बार फंदे क्रोशे के ऊपर और इन्हें निकाल देंगे फिर इसे निकाल के एक चैन लेंगे तो ऐसे ही ये जो हमारे एक दो तीन चार पाँच छः छः पफ बने थे इन छः के ऊपर हमारे पाँच पफ बनेंगे यहाँ तक अभी मैं ना इनके दोनों के बीच में बना के फिर दिखाती हूँ आपको तो ये देखिए हमने ना ये पहले छः पफ थे इन सब के ना बीच में हमने ये बनाया तो इसके ऊपर हमारे एक कम हो गया पाँच पफ हो गए ठीक है फिर हम इसे पलटेंगे तीन चैन लेंगे और फिर इन जो बीच में हमने चैन ली थी इन्हीं में डाल के हम फिर से पफ बनाएंगे तो पांच के बाद अब हमारे है ना ये चार पफ रह जाएंगे ठीक है चार के बाद तीन तीन के बाद दो ऐसे ही हमें ये बनाना है ठीक है तो ऐसे हम इसके ना एक एक करके ना पफ कम करते चले जाएंगे ठीक है तो ये हमें ना पूरा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है देखिए ये चार बनेंगे अब इसके ऊपर और चार के ऊपर तीन बनाएंगे तीन के ऊपर दो बनाएंगे ठीक है तो ये देखिए अब मैं आपको दिखा दूँ कि इसकी जो शेप आई है वो किस तरह की आई है ये देखिए आप खुद भी देख सकते हैं मैं बहुत पास से आपको दिखा रही हूँ जिससे आपको है ना समझ आ जाए तो ये देखिए ये इसका फेस हो गया ये नेक हो गई और ये पीछे का हिस्सा ठीक है तो ये इस तरह से आएगा तो ये देखिए जो हमारे पफ थे वो शुरू में छह थे फिर पांच हुए फिर चार फिर ये तीन और फिर ये दो तो। ठीक है तो ये हमारा ये क्या? अब हम इसमें ना सेकंड बनाना शुरू करेंगे तो सेकंड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा ये देखिए एक दो तीन चार चार चैन लेंगे और ये दूसरी तरफ देखिए ये पफ जो दूसरा हमने यहाँ पे लिया था ना यहाँ पे डाल के इसे ज्वाइन करना है ज्वाइन करने के बाद हमें एक चैन लेनी है और यहाँ पे हमें आठ सिंपल क्रोशिया बना लेने हैं एक हो गया ये दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ तो ये आठ सिंपल क्रोशिया हो गए इसमें फिर हम इसे पलटेंगे और एक दो ये तीन तीन चैन लेंगे और जो हमारी ये फर्स्ट वाली चैन है सॉरी तीन ही एक और चैन लेंगे हम चार चार चैन लेंगे और ये वाली हम फर्स्ट वाली चैन में ही डाल के हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक चैन लेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक चैन लेंगे और यहाँ पे फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन लेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो जो ये हमारे आठ सिंपल क्रोशिया हैं ना इनमें हम आठ ही डबल क्रोशिया बना लेंगे एक एक चैन लेके। ठीक है तो ये पूरा करके फिर दिखाती हूँ आपको तो ये देखिए हमने आठ ही इसमें डबल क्रोशिया बना लिए सेम वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे शुरू में आठ डबल क्रोशिया बनाए थे ठीक है यहाँ पे बनाए थे ना हमने आठ डबल क्रोशिया वैसे ही हमने यहाँ पे बना लिया अब जैसे हमने इसकी नेक बनाई थी नेक बनाने के बाद हमने ना ये छह पफ बनाए थे सेम वैसे ही हमें ये आगे देखे जैसे इसकी क्या अब मैंने आपको जैसे बताया ना वैसे ही अब इसमें ना नेक बनानी शुरू कर दीजिए पहले पंद्रह चैन लीजिए चार पाँच छकेंड ठीक आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और पंद्रह चैन लेने के बाद चार चैन छोड़ के आँचे वाली चैन में डाल के हम इसमें ज्वाइन कर देंगे ये राउंड बन गया और इसमें हम तीन चैन लेके और अब इस राउंड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो पहले ये देखिए एक डबल क्रोशिया एक और डबल क्रोशिया, ठीक है फिर तीन चैन लेंगे इसे ज्वाइन करेंगे लास्ट वाले चैन में डाल के और फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे तो इसे जो हमें बनाना है सेम ऐसे ही बनाना है जैसे हमने ये बनाया ठीक है ये देखिए सेम तरीके से हमें इसके पीछे बनाते जाना है जितना भी बड़ा आपको बनाना है आप उतने ज़्यादा है ना ये मुर बना सकते हैं ठीक है तो अब मैं थालपोस का है ना बेस बनाना शुरू करती हूँ तो चलिए इसे ना आप बना लीजिए फिर मैं आपको बेस बताती हूँ तो देखिए अब हम इसका ना बेस बनाएंगे मैं बेस है ना व्हाइट कलर से बना रही हूँ आप कोई भी कलर ले सकते हैं वैसे ब्लू के ऊपर मुझे व्हाइट अच्छा लग रहा था तो चलिए इसे है ना फटाफट से बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए हमें ना ऐसे है ना पांच चैन ले लेंगे और ये देखिए लास्ट वाली चैन में डाल के हम इसे ज्वाइन कर देंगे फिर एक दो तीन तीन चैन लेंगे और इसी में ना डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे ठीक है तो इसमें जो हमें टोटल बनाने हैं वो सोलह डबल क्रोशिया बनाने हैं तो ये पूरा बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको तो ये देखिए हमने टोटल बना लिए हैं और उसके बाद हमें क्या करना है देखिए इसे जहाँ हमने चैन बनाई थी वहां पे डाल के ज्वाइन कर देंगे उसके बाद में फिर से एक दो तीन तीन चैन लेंगे और ये देखिए फर्स्ट वाले में ही डाल के एक डबल क्रोशिया फिर अगले वाले में डालेंगे फिर एक डबल क्रोशिया और इसी में डाल के एक और डबल क्रोशिया यानी कि एक एक चैन में हमें ना दो दो डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से ठीक है एक एक चैन में हम दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसी तरह से हम ये पूरी की पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे तो ये पूरी लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ तो ये देखिए हमारा है ना ये सेकंड लाइन भी है ना इसी तरह से कंप्लीट हो गई है अब हमने इसे ज्वाइन कर लिया और फिर से यहाँ पे तीन चैन लेके और फर्स्ट वाले में डाल के एक डबल क्रोशिया फिर उससे आगे वाले चैन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया और उससे आगे वाली चैन में डाल के हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे ठीक है फिर उससे आगे वाली चैन में हमें एक डबल क्रोशिया फिर उससे आगे एक और उससे आगे वाली चैन में हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है ठीक है तो इसी तरह से ना हम ये पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट करके और इसके जो ऊपर हम दो तीन लाइनें बनाएंगे वो भी हमें ना सेम प्रोसीजर से बनानी है जिसमें हमें ना दो बार तो एक, -एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और थर्ड वाले में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ये देखिए इस तरह से ठीक है ऐसे ही हम इसके आगे की भी है ना लाइनें बना लेंगे जितना बड़ा तो ये देखिए तो ना से इतना बना लिया है सेम तरीके थी से थी। मैंने इसके ऊपर की लाइनें बनाती गई हूँ आपको जितना बड़ा बनाना है आप उतने है ना इसी तरह से लाइनें बनाते जाइए और ये है ना पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो ये देखिए अब हम है ना लास्ट में यहाँ पे डाल के एक डबल गया था वो भी बना लेते हैं और इसे यहाँ पे कर लेते हैं और इसे हाँ पे कट कर देते हैं ठीक है तो ये देखिए हमने ना ये बेस बना लिया और ये हमने पहले ही बना लिए थे इसमें मैंने पता है क्या किया है ये ना नग लगा के देखें कि ये किस तरह का लगेगा तो ये नग लगा के भी है ना अच्छा लग रहा था और ये स्टोन है नॉर्मली जो स्टोन मिलते हैं ना मेरे पास ये ना सुंट के बचे हुए थे तो मैंने वो लगाए हैं ठीक है थीके? तो ये उस तरह का है अब हम इसे है ना इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे ये देखिए ऐसे ठीक है मैं इसे ऐसे रख रही हूं अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ना ये गर्दन भी है ना इसी में चाहिए तो आप इसे थोड़ा इस तरह से लगा के तब रखिए इसे ना बेस को थोड़ा बड़ा बढ़ा दीजिए और फिर इसे यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए लेकिन मैं इसे इस तरह से लगाऊंगी ये देखिए ऐसे पूरे में ना इस तरह से डाल के हम ये पूरे में ऐसे लगा लेंगे ठीक है अभी मैं इसके ना आपको ये भी बताऊंगी कि जो हमारे ये गर्दन होगी इसे हमें क्या करना है ठीक है ये इस तरह से लग गए और इसे ना हमें आराम से इसमें है ज़्यादा कुछ नहीं करना है ऐसे पकड़ना है और इसे ना सुई में देखे मैंने सुई में ऊन डाल ली है और इसे यहाँ पे टक कर देना है बस सिंपली पकड़ना है और ये टक कर देना है वैसे आप इसे ना अगर फेविक वाली जो गम आती है उससे भी चिपकाना चाहें तो चिपका सकते हैं लेकिन है ना मुझे थोड़ा सीलना ज़्यादा अच्छा लगता है उसका कारण ये है कि गोंद वैसे तो छूटती नहीं है लेकिन अगर छुट भी जाए तो ये जो सिलाई वाला होता है ये निकलता नहीं है ठीक है ना तो ये इस तरह से हम ये पूरे में इसे टाँग लेंगे उसके बाद में आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है तो ये देखिए हमारा पूरा का पूरा थाल पोस बन के ना तैयार हो गया है एकदम बहुत सुंदर सा लग रहा है ये देखिए मैं थोड़ा सा दूर से दिखा रही हूँ जिससे आपको है ना ये समझ आए तो ये देखिए और ये जो गर्दन है ना जब हम इसे ना कहीं पे भी डालेंगे तो ये गर्दन ऐसी लगेंगी हमने लटक लगाई हुई है और जब रखेंगे तो ये देखिए कितनी प्यारी और सुंदर सी बनके तैयार हुई है अगर ये बीच में से आपको व्हाइट व्हाइट और खाली सा लग रहा है ना तो आप क्या करना कि इसमें भी है ना एक छोटा सा कोई भी ब्लू कलर से फूल बना लेना या फिर है ना ऐसे ही टांग लेना तो वो अच्छा लगेगा ठीक है तो आपको ये कैसा लगा मुझे एक कमेंट करके जरूर बताना और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंजॉय दिस वीडियो आपको ये कैसा लगा मुझे प्लीज़ एक कमेंट जरूर करना और हाँ आप लाइक करना भूल जाते हैं तो यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो